हेलो दोस्तों मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर दोस्तों आज से करीब 12 साल पहले यानी कि वर्ष 2009 में हमारी भारतीय रेलवे ने एक नई प्रकार की ट्रेनों की शुरुआत की थी जिसका नाम दिया गया तुरंतो एक्सप्रेस तुरंतो का मतलब होता है नॉन स्टॉप यानी कि उस समय जब ये ट्रेन अपने प्राइमरी स्टेशन यानी कि ऑरिजिनेट स्टेशन से चलती थी तब सीधा वहीं जा रुकती थी जहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज होता था बीच में इसके स्टॉपेज होते थे लेकिन वहाँ से ना तो यात्री चढ़ सकते थे और ना ही उतर सकते थे लेकिन दोस्तों वर्ष 2016 दो में हमारी भारतीय रेलवे ने नियम बदला और स्ट्रेंड के जो टिकट हैं वो बीच रास्ते के लिए भी जारी किए जाने लगे अब दोस्तों यहाँ पे बिहार से जो एक तुरंत एक्सप्रेस चलती है उसमें हमारी भारतीय रेलवे बड़ा बदलाव करने जा रही है जिसके बाद एक प्रकार से हम कहें तो बिहार को नई तुरंतों मिलने जा रही है दोस्तों कौन सी है यह क्या इसमें बदलाव होंगे आज के इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ दोस्तों इस पर वीडियो करूँ मेरा आपसे आग्रह यदि भी कल सब्सक्राइब नहीं का कल सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं और कोई विशेष का है तो आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यदि हम यहाँ पे इस बड़े बदलाव की बात करें तो यहाँ पे बड़ा बदलाव साउथ ईस्टर्न डिलीवरी के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों उनका जो ट्वीट है वो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे उन्होंने लिखा है शालीमार पटना शालीमार तुरंत एक्सप्रेस टू रन विथ एल एच बी रेक्स नीचे उन्होंने लिखा है विथ यू टू प्रोवाइड सिक्योर्ड एंड कंफर्टेबल जर्नी टू द ट्रेवलिंग पैसेंजर साउथ ईस्टर्न रेलवे हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट द रेक ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन टू मोस्ट मॉडर्न एल एच बी रेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल रेक और दो, दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ट्रेन संख्या ट्रिपल टू वन थ्री शालीमार पटना तुरंतो एक्सप्रेस और इसी के साथ साथ ट्रिपल टू वन फोर पटना शालीमार तुरंतो एक्सप्रेस इन दोनों को ही एल एच बी रिक्स दे दिए गए हैं दोस्तों जब ये ट्रेन सत्ताईस दिसंबर को चलेगी शालीमार यानी कि कोलकाता से तब इसमें नए एल एच पी रिक्स लगे होंगे और दोस्तों इसी के साथ साथ जब ये ट्रेन अट्ठाईस दिसंबर को पटना से चलेगी तब इसमें नए एल एच बी रिक्स लगे होंगे दोस्तों इस परिवर्तन के बाद आपको जो पी पीले और हरे रंग के डब्बे दिखाई देते हैं तुरंत एक्सप्रेस के साथ वो अब दिखाई नहीं देंगे अब यह ट्रेन जो है वो लाल रंग के डब्बे के साथ चलेगी लेकिन इसका जो किराया और इसका जो नाम होगा वो अभी अभी भी तुरंत एक्सप्रेस होगा दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों बस इतना ही मिलिंग के साथ अब तक के लिए जय हिंद जय भारत